गजब का स्वाद में आपका स्वागत है। मैं हूँ सुनीति शर्मा। आज हम बेसन का दानेदार हलवा बनाएंगे। आज हम ऐसा हलवा बनाएंगे जिसे आपने ना तो पहले कभी देखा होगा, ना सुना होगा, ना खाया होगा। आज हम नए तरीके से बेसन का दानेदार हलवा तैयार करेंगे। ये मैंने एक बोल ले लिया है, उसमें एक कटोरी में बेसन डालूंगी। आप कटोरी, कप, कोई भी एक नाप की चीज ले सकते हैं, उससे ही हमें सारा सामान लेना है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी करके बेसन में डालेंगे और इसका एक घोल तैयार करेंगे। और इसमें लम्स नहीं पड़ने चाहिए। इसका हमने एक घोल तैयार कर लिया है। इसका बैटर बिल्कुल डोसे का बैटर होता है, उसकी तरीके से हमें तैयार करना है। और मैंने तवे को गर्म करने के लिए रख दिया है। इस पर हम थोड़ा सा घी लगाएंगे और इस बैटर को हम इस तवे पर फैला देंगे। इसको हमने तवे पर फैला दिया है, थोड़ा सा हल्का सा, ठीक है। अब इसको हम सिकने देंगे। एक साइड से ये हमारा बेसन का चीला सिक गया है। अब इसको हम हल्के से पलट देंगे। अब इसको हम दूसरी तरफ से भी थोड़ी मीडियम गैस पर सेकेंगे, जिससे कि ये अंदर से बिल्कुल भी कच्चा या गीला नहीं रहना चाहिए। ये जो हमने बेसन का चीला सेका था, ये काफी अच्छा सिक गया है। इसे हम एक प्लेट में निकालेंगे और हम इसके पीसेस कट कर लेंगे और इसको हम ठंडा करेंगे। ये पीसेस हमारे ठंडे हो गए हैं। इसे हम मिक्सी के जार में डालेंगे और इसको हम चर्न कर लेंगे। मिक्सी में इसको हमने पीस लिया है। ये बिल्कुल दानेदार हो गया है। कढ़ाई को मैंने गरम करने के लिए रख दिया है। एक कटोरी मैंने बेसन लिया था, आधी कटोरी मैं घी लूंगी। सबसे पहले मैं बादाम को फ्राई कर लेती हूँ। ये मैंने लगभग 15 बादाम लिए हैं और उसे भिगोकर छिलका उतारकर लंबा लंबा काट लिया है। बादाम को पहले हम फ्राई करके निकाल लेंगे। अब बादाम को हम एक बोल में निकाल लेंगे और इसी घी में जो हमने बेसन को ग्राइंड किया था, इसी घी में हम डाल देंगे। और इसको हम बिल्कुल कम गैस पर भुनेंगे। बेसन को मैंने कम गैस पर लगभग 12 मिनट के लिए मैंने भून लिया था। ये मैंने एक कटोरी दूध लिया है। अब इसमें हम दूध मिलाएंगे और ये मैंने आधा कटोरी चीनी ली है, इसमें हम चीनी भी मिला देंगे। और आपको एक ही कटोरी से सारा नाप करना है। और इसमें हम जो हमने बादाम को तलकर रखा था, थोड़े से बादाम डाल देंगे और थोड़े से हम गार्निशिंग के लिए रख लेंगे। एक चुटकी इसमें हम इलायची का पाउडर डालेंगे और चीनी भी हमारी अच्छे से पिघल गई है। अब हम गैस को ऑफ करेंगे। अब हम इसको एक बोल में सर्व करेंगे। और जो हमने कटे हुए बादाम रखे थे गार्निशिंग के लिए, ऊपर से इसे हम सजा देंगे। लीजिए, हमारा बेसन का दानेदार हलवा बनकर बिल्कुल तैयार है। इसे हम ठंडा या गर्म, जैसे मन करे वैसे सर्व करेंगे। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई है, आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने अनुभव हमसे शेयर जरूर करें।